एक अपूर्णीय क्षति तो है ही, लेकिन आज हम देख रहे हैं जो दलीय सीमाएं टूट गई हैं, यहाँ पर सभी दलों के लोग आकर उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, कितना बड़ा व्यक्तित्व आप मानते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि प्रदेश, देश और उसके बाहर जी, दुनिया में भी उनकी अपनी अलग पहचान और प्रतिष्ठा है जी। विदेश मंत्रालय के दौर में उन्होंने जो किया उसका तो कोई जवाब हो नहीं सकता। ये स्वाभाविक है कि दल तो देश के भीतर ही है, देश के बाहर भी उनकी प्रतिष्ठा इसी स्तर पर है, इसमें कोई दो मत जी। विदिशा का उन्होंने दो बार प्रतिनिधित्व किया, मध्य प्रदेश का संसदीय क्षेत्र है विदिशा, कितना आज मध्य प्रदेश को एक अगर कहें कि एक उनका जो दिल्ली में बात रखने वाला चला गया? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए सुषमा जी की तुलना नहीं हो सकती है जी। वो उन्होंने दो बार विदिशा से प्रतिनिधित्व किया, जो हम लोगों के लिए गर्व की बात है जी। उनसे निकटता रही है, ये हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। इसलिए मैंने ट्वीट किया था कि उनकी वाणी तो ऊर्जा की लहर पैदा करती थी, उसका चुप हो जाने का मतलब है कि हम जैसे लोगों के तो मतलब मैं हम निःशब्द हैं, हम सिर्फ उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। आप उनके निकट थे, कुछ ऐसा वाकया जो आपको आज भी प्रेरणा स्रोत लगता हो? अनेक घटनाएं, मुझे लगता है कि बोलने से लेकर आप कैसे आचरण करते हैं, इन सब बातों को लेकर हर आदमी अभी की कहानी बता सकता है जी। और आज की राजनीति में हम देखते हैं कि दूषित हो जाता है व्यक्ति और इतने सारे राजनीतिक विरोधी बन जाते हैं, इतना लंबा जीवन और कोई राजनीतिक विरोधी नहीं उनका, ये पुण्याय होती है जी। नमन। और स्वच्छतापूर्ण राजनीति की बात होगी तो माननीय सुषमा स्वराज जी का स्मरण निरंतर होता रहेगा। उन्होंने जिस भाव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था और लगभग चार दशक से अधिक समय तक उन्होंने राजनीति में जो मानक स्थापित किए, सार्वजनिक जीवन के जो मानक स्थापित किए वे अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। उन्हें एक सांसद के रूप में भी और 1998 में केंद्रीय मंत्री के रूप में और 2014 से 2019 के बीच में केंद्रीय विदेश मंत्री के रूप में उनके कार्य को बहुत नजदीक से देखने और उनसे बहुत कुछ सीखने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ था। सचमुच सार्वजनिक जीवन में, देश की संसद में केंद्रीय मंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में भारतीय नारी की एक आदर्श प्रतिमूर्ति थी। उनका अकस्मात जाना पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। पूरी निष्ठा के साथ जिस कार्य को करती थी, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी टीम को साथ लेकर के चलने का जो भाव माननीय सुषमा स्वराज जी का जो था, वह निरंतर उनका स्मरण कराएगा। ईश्वर उन्हें सदगति दें, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। परिजनों के प्रति और अपने उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के प्रति जिनके लिए एक नई प्रेरणा थी माननीय सुषमा जी, उन सब के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आज मैं यहाँ पर विशेष रूप से आया हूँ। आखिरी वक्त कब आपकी उनसे बात हुई थी? देखिए, मेरी माननीय सुषमा जी के साथ अंतिम मुलाकात यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुई थी। थोड़ा माइक पीछे कर दो यार। लेकिन उससे पहले मैंने इस बात को देखा था कि हम लोगों ने प्रवासी 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संपन्न किया था और 3 दिनों तक हम लोगों को वाराणसी में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने देखा था स्वस्थता के बावजूद भी प्रातः 7 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक
अप्रवासी भारतीयों के लिए, भारतवंशियों के लिए क्या भाव था उनके मन में, और सचमुच उनका प्रयास था कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम 21 से 23 जनवरी को बहुत सफलतापूर्वक काशी में संपन्न हुआ। मुझे याद है कैसे वह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती थी। विगत चुनाव में विदिशा में उन्हें एक सभा में जाना था, अस्वस्थता के कारण नहीं जा पाई, तो उन्होंने मुझे फोन किया, कहा कि अगर उस चुनाव में आप वहां अगर आप चले जाते। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी उधर ही मध्य प्रदेश में ही मेरी सभाएं लगी हैं, उनमें से एक सभा में वहां भी करते हुए आ जाऊंगा, आप सूचना दे दीजिए, कोई बात नहीं। मैंने पार्टी को भी सूचना दी, उन्होंने भी बताया। कार्यक्रम होने के बाद मैं जब रात्रि को वापस लखनऊ आया तो मैंने देखा कि सुषमा जी फिर फोन किए, उन्होंने कहा आपकी सभा बहुत अच्छी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी छोटी छोटी चीजों को किस प्रकार से स्मरण करते हुए और हमें प्रोत्साहित करती थी, बहुत बड़ी बात थी। संसद में कैसे बोलना है इस बारे में हम लोगों को प्रारंभ में सुषमा जी ने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने एक जो दिशा दी थी वह सदैव हम लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी। मैं उनके दिवंगत होने पर आज उनके स्मरण को, उनकी स्मृतियों को कोटि-कोटि नमन करता हूं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सुषमा जी का निधन पार्टी के लिए तो क्षति है, राष्ट्र के लिए भी क्षति है। अब देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ भीड़ उमड़ी पड़ी है, क्या लग रहा है आपको कि ये जो लोग आ रहे हैं उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, बीजेपी का एक बड़ा नेतृत्व चला? जी हाँ, कभी सोचा नहीं था इस तरह से वो चले जाएंगे, और कल हमारे लिए बहुत खुशी की दिन थी। और 370 पास होने के बाद शायद उन्होंने भी शायद खुशी जताई थी, और ट्वीट के द्वारा कहा था इसी दिन लिए मैं जिंदा हूँ। और हमें बहुत दुख हुआ बात सुन के। और मैं शायद आप लोग पता है मैं असम से हूँ, मैं 2004 में पहली बार उनसे मिला था, मेरा क्षेत्र में लोकसभा की प्रचार करने गए थे। उनका बाद सांसद बनने के बाद बहुत बार मैंने मिला, मेरा डिब्रूगढ़ तिनसुकिया दो डिस्ट्रिक्ट है उसमें दो मुझे पासपोर्ट सेवा केंद्र भी दिए, इस तरह से बहुत बार उसने मिला था। और बहुत सरल स्वभाव की थी और सबको प्यार करती थी, और वो उन्होंने जो काम किया है वो दुनिया याद करेगी। और ये आपने पासपोर्ट सेवा केंद्र की बात करी, ये वाकई में एक बड़ी बात थी कि पहली बार भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा केंद्र जिलों जिलों में पहुँचाया, वरना लोगों को जो अपनी राजधानियाँ हैं वहाँ तक आना पड़ता था। जी हाँ, क्योंकि मैं भी अपना पासपोर्ट पहली बनाया था दुलियाजन में गुवाहाटी में, और उसी समय मैं भी सोचता था कि अपना क्षेत्र में कैसे हो, तो बाद में सुषमा जी ने ऐसे सिद्धांत लिया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक पासपोर्ट हो, उसी तरह से मैंने शायद पहली पासपोर्ट डिब्रूगढ़ तिनसुकिया मुझे मिला है। और ऐसे कोई प्रेरणादायी आपको जो लगता हो घटनाक्रम जो आपके साथ जुड़ा हो कोई ऐसी? जी हाँ, वो जब पहली बार जब मैंने मिला जहाँ मेरा दुलियाजन में जो लोकसभा के लिए था, तो वो पहले मैं विधायक था उस समय, तो उनको पहले जानकारी था कि यहाँ के विधायक रामेश्वर तेली जी हैं, तो मैं आते पता नहीं कभी देखा भी नहीं था मुझे, तो बोला तेली जी आइए आइए सब पास में बैठिए, ऐसे मुझे कहा, तो वो बात आज भी याद है मुझे। नहीं, उनको व्यक्तियों के नाम याद रखने की और उनसे जुड़े घटनाक्रमों को याद रखने की खैर उनमें एक अनूठी प्रतिभा थी। और हमने देखा कि एक वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्र अटल बिहारी वाजपेयी जी की, अनंत कुमार जी की, मनोहर पर्रिकर जी की, और अब सुषमा जी की, तो कितना बड़ा एक नुकसान मानते हैं पार्टी के लिए? जी हाँ, देखिए नेता कई सारे चले, देखिए दुनिया से सबको जाना है एक दिन, किसका ज़्यादा उम्र हो गया वो चला, कब कौन जा रहा है किस पता नहीं, भगवान की जो इच्छा है वही होगा, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि सुषमा जी इतना जल्द चले जाएंगे। सुषमा जी से जुड़ा कोई ऐसा 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 कोई घटनाक्रम जो आज भी आपको प्रेरणादायी लगता है? देखिए वो तो बार बार जब भी मुलाकात होती थी अर्जुन या अभिमन्यु, जी कैसे हो अर्जुन जी, तो उनके आत्मीयता स्नेह हमेशा बार बार स्मरण आ रहा है।